नमस्कार। रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों की ओर। इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसमें राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधि 20 से घटाकर 17 साल कर दी गई है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3,722 और सहायक शिक्षकों के 5,577 पद भरने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए औद्योगिक नीति 2019 से लेकर 2024 में संशोधन किया गया है। बिरनपुर घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस वार्ता कर बैठक के लिए लिए गए निर्णय की जानकारी साझा की। बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है। और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है। और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका विलोप किया गया है।